हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो दोस्तों? आप सब वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों फाइनली कतर एवेस ने लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। यस दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन करना है कतर एवेस तो गाइस ये वैकेंसी कभी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो और आपको एयरलाइन ज्वाइन करनी है, कतर एयरवेज ज्वाइन करना है, तो गाइज ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दूसरी चीज, अगर आप क्लास 12 पास हैं दोस्तों तो रेडी हो जाइए सेलेंस का इंटरव्यू देने के लिए। और तीसरी चीज बता दूं कि अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं और इस जॉब अपडेट को देख रहे हैं, तो गाइज आप दोनों के दोनों ही अब एलिजिबल हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए और दोस्तों नौकरी करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट सबसे पहले ये पूछते हैं कि हमें बता दो तनख्वाह कितनी रहती है कतर एयरवेज ग्राउंड स्टाफ या कतर एयरवेज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। दोस्तों इसकी तनख्वाह रहती है वो है 45,000 से 50,000 रुपए के आसपास इनकी तनख्वाह रहती है इन हैंड। प्लस बहुत से इनको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि बताऊंगा कौन कौन से अलाउंसेस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। बहुत सारे बोलते हैं क्या इसमें कोई फ्यूचर करियर ग्रोथ है कि नहीं। ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर करियर ग्रोथ है। एक बार आप कतर एयरवेज एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस एजेंट ज्वाइन करते हैं कॉन्टैक्ट सेंटर में, उसके बाद फ्यूचर में आप जो है इसी एयरलाइन से बन सकते हैं, कतर कैबिन क्रू बन सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि अगर आप कतर एयरवेज के पुराने एम्प्लॉय हैं तो कभी भी नई नौकरी में जाओगे तो आपको वहां पे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलने वाला है। दोस्तों तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहे जॉब की सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट अपडेट। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं, कहां पर कंडक्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं, राइट। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पीछे कतर एयरवेज की ये कैबिन क्रू है जिस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आई है ये इंडिया के लिए आई हुई, इन द सेंस इंटरव्यू कहां पे कंडक्ट होंगे दोस्तों, इंडिया में कंडक्ट होंगे। और नौकरी कहां पे करनी होगी आपको, इंडिया में ही रहकर नौकरी करनी पड़ेगी, राइट। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक चीज, डेली रात के 9 से 10 के बीच में मैं यूट्यूब में लाइव आऊंगा, तो उस बीच आप यूट्यूब में लाइव आके अपने बेसिक डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों उस बीच क्या होगा, आप अपने बेसिक डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है एयरपोर्ट में, अगर आपको एयरलाइंस में नौकरी करनी है, ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैबिन क्रू बनना है या किसी भी एयरलाइंस को ज्वाइन करना चाहते हो। दोस्तों डेली रात के 9 से 10 में यूट्यूब में लाइव आता हूँ, उस बीच आप यूट्यूब में लाइव आके अपने सारे के सारे बेसिक डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये इनकी इनका एयरलाइंस, राइट। इस तरह के इस फ्यूचर में काम करेंगे अगर आप कतर एयरवेज में कैबिन क्रू सेलेक्ट हो जाएंगे तो। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी दोस्तों आ गई है, दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये कतर एयरवेज में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की हो सकती है कतर एयरवेज कॉन्टैक्ट सेंटर में। दोस्तों जॉब ढूंढने करना कि आपको कतर एयरवेज करियर में क्लिक मारना है, जैसे आप कतर एयरवेज करियर में क्लिक मार दोगे तो ये उनका ऑफिशियल हैंडल खुल जाएगा। दोस्तों ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी यूनिफॉर्म वगैरह कैसी है। और दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, राइट। तो जो ऊपर जाना, ऊपर आके करना कि आपको यहाँ पे जाना है ब्राउज रिसेंटली एडेड, राइट। नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद दोस्तों करना है यहाँ पे आपको कहाँ पे क्लिक मारना है, कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे आपने क्लिक मारना है, जैसे आप कस्टमर सर्विस में क्लिक मार देंगे तो इनका ये पेज खुल जाएगा, राइट। तो जैसे कि देख सकते हैं कस्टमर सर्विस में क्लिक मार दिया आपने, अब बात करते हैं यहाँ पे ढूंढना आपको इंडिया की रिक्रूटमेंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट इवेंट इन मॉरिशियस, शेफ, सेल्स असिस्टेंट, फूड बेवरेजेस, कतर ड्यूटी फ्री, ठीक है, सेल्स असिस्टेंट, राइट, ओके, कॉन्टैक्ट सेंटर दोहा, ठीक है। नीचे आते हैं कॉन्टैक्ट सेंटर दोहा, दोहा आ गया भाई, ओके, इंडिया का है दोस्तों, राइट। यहाँ पे क्लिक मारते हैं तो जैसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, ओके, रीलोड होना है। तो इसे कतर एयरवेज स्पाथ थेरेपिस्ट कस्टमर, तो दिस इज एयरलाइंस कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट अहमदाबाद। तो मतलब ये जो नौकरी रहेगी वो कहाँ की रहेगी, अहमदाबाद की रहेगी। आपको नौकरी कहाँ पे करनी है, अहमदाबाद में करनी है। और दोस्तों तीसरी चीज बता दूं कि ये जो वैकेंसी बड़ी तगड़ी वैकेंसी है, बहुत दिनों के बाद आई हुई है। तो अगर आप इस एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो दोस्तों, आपकी जिंदगी जो है घर बैठे बैठे बदलने वाली। दोस्तों क्या है, घर बैठे बैठे बदलने वाली है, ठीक है भाई, समझ में आ गया बाकी चीजों के बारे में। तो देख सकते हैं डिस्कस कर, तो यहाँ पे आपने क्लिक मारना, जैसे आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो देख पाएंगे इनका जो है ऑफिशियल पेज खुल जाएगा दोस्तों, राइट, ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में, राइट, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे काम होगा आपका, क्या क्या चीजों का डिस्कस करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, राइट, और अप्लाई करना कैसे करना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि अगर आपको एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक करना है, ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैबिन क्रू बनना चाहते हो और घर बैठे बैठे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो दोस्तों, तो कल से जो है 1 तारीख से जो है न्यू क्लासेस लॉन्च हो रही है, राइट। दोस्तों एविएशन लाइफ एक एडटेक कंपनी जो कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अब तक हमारी क्लासेस की हेल्प से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टाफ बन चुके हैं, कैबिन क्रू बन चुके हैं, राइट। जैसे कि देख सकते हैं ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 1 मार्च क्रैश कोर्स। दोस्तों मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एविएशन लाइफ अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में, और मेरे पास दोस्तों 10 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों अब तक हमारी क्लासेस की हेल्प से वी हैव गिवन 492+ सिलेक्शन इन एयरलाइंस इंडस्ट्री एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आप फटाफट से मैसेज भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर में, सीट्स बहुत लिमिटेड है। और दोस्तों ये क्लासेस बिल्कुल ऑनलाइन कंडक्ट होती है, जो आप घर बैठे बैठे कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से भी ले सकते हैं। अगर आप छोटे कस्बे से हो, छोटे शहर से हो,
दोस्तों ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरी क्लासेस ज्वाइन करी तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होकर रहेगा। दोस्तों हमारी क्लास में आपको मिलेगा फ्री सीवी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा और दोस्तों रिकॉर्ड लेक्चर मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। प्लस आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट चीज दोस्तों बता दूं कि आपको रेफरेंस भी दिया जाएगा जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने की मदद करेगा। और दोस्तों ये क्लासेस पहले 15 दिन की थी जो कि हमने 1 महीने के लिए रख दी, इन द सेंस अगर आप आज इनरोल करते हो तो आपको इसमें 15 दिन का स्पोकन इंग्लिश का एड ऑन कोर्स भी मिलने वाला है। इन द सेंस आपको 1 मंथ का कोर्स मिल जाएगा जस्ट 3,999 रुपीज में। आगे सबको समझ में चीजों आ रही है, तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्तों एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी डिप्लोमा कोर्स मत करिए, कोई भी एविएशन इंस्टीट्यूट लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा एविएशन वहां जाके मत टाइम वेस्ट करिए, आपके 1 से 1.5 लाख रुपए डूब जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों तैयारी करवा रहा हूँ बिल्कुल A to Z। यहाँ पे 1 मंथ कोर्स मिल जाएगा, 3 मंथ कोर्स मिल जाएगा, 6 मंथ कोर्स मिल जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ठीक है भाई, तो फटाफट से मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर में जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो गए, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों को धीरे से। लेकिन दोस्तों आपको चीज बात की यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली ड्रीम कम ट्रू, राइट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी वर्किंग इन एयरलाइंस इंडस्ट्री एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ केबिन क्रू। राइट दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ 1 सेकंड क्या हो गया भाई। दोस्तों इंटरनेट की स्पीड धीरे हो गई है। ठीक है भाई, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अगर आपको भी सेशन लेना है तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है ये सारी की सारी चीजों को जानने की। देख सकते हैं ये जो हमारा एविएशन लाइफ का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के इंटर एक्सपीरियंस भी शेयर कर रखे हैं दोस्तों। ठीक है, ये भवनेश है दोस्तों, भवनेश जो है बहुत पुराना स्टूडेंट है, तो ये रिसेंटली सेलेक्ट हुआ इंडिगो एयरलाइंस में था ग्राउंड स्टाफ के लिए। और दोस्तों सेलेक्ट होने के बाद भवनेश यहाँ पे इंटर एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आप हमारी क्लासेस से पढ़ के सेलेक्ट होगे तो आपका हम लोग इंटर एक्सपीरियंस यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे, जिसके वजह से आपको बाकी स्टूडेंट्स को अवेयरनेस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। राइट, तो उस समय देख सकते हैं भुवनेश का इंटर एक्सपीरियंस है, भुवनेश अभी रिसेंटली सेलेक्ट हो गया है। अब दोस्तों भुवनेश भी 2 जगह सेलेक्ट हुआ है ना, हैदराबाद में सेलेक्ट हुआ और रायपुर में सेलेक्ट हुआ। दोस्तों अभी भुवनेश गया है इंडिगो एयरलाइंस की ट्रेनिंग करने के लिए, नई वीडियो उसके बारे में आ जाएगी। बात करते हैं वैकेंसी के लिए, तो ठीक है अगर सच में इंटरेस्ट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन चेक करिए और मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जहां पे आपको मिलेगी जॉब की सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट अपडेट। दोस्तों देख सकते हैं कतर रेलवे का ऑफिशियल पेज है, डिस्कस करते हैं वैकेंसीज वगैरह के बारे में। आई गेस थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कतर एवेस अहमदाबाद कॉन्टैक्ट सेंटर इन इंडिया, मतलब आपको नौकरी कहाँ पे करनी पड़ेगी, इंडिया में रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं इसमें बेसिकली आपका काम क्या क्या रहेगा ताकि आपको बता। दोस्तों देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हर एक एयरलाइन का एक कॉन्टैक्ट सेंटर रहता है, जैसे इंडिगो का एक कॉन्टैक्ट सेंटर है, एयर इंडिया का एक कॉन्टैक्ट सेंटर है। इसमें बेसिकली होता है कस्टमर सर्वे एग्जीक्यूटिव, ये आप एयरपोर्ट में रहकर नौकरी नहीं करोगे दोस्तों, ये नौकरी आप एयरपोर्ट से दूर रहकर करोगे। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद का कोई एयरपोर्ट है, राइट, वहां पे आप एयरपोर्ट के अंदर है काम नहीं करोगे, एयरपोर्ट से दूर एक बिल्डिंग होगी, राइट, एक अच्छी खासी बिल्डिंग होगी, अच्छी खासी, क्योंकि कतर तो एक लग्जरी ब्रांड है दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे तगड़ा ब्रांड है। ठीक है, तो वहां पे बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में बैठ के लोगों से कॉलिंग में बात करेंगे, प्लस उनको कॉल में कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है कतर की फ्लाइट से, इंडिया से जाना है मेरे को दोहा, अब हुआ क्या, वो फ्लाइट छूट गई, अब मुझे कुछ दोस्तों रिफंड चाहिए या किसी वजह से वो फ्लाइट जो है रीशेड्यूल करानी मुझे, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर में कॉल लगाऊंगा और उनको बोलूंगा कि यस राइट मुझे जो है रिशेड्यूल कराना करके। ठीक है, भी समझ में आ रहा है नहीं यार आपको, ये सारी की सारी चीजें हैं, तो इसके लिए दोस्तों कतर एवेस कॉन्टैक्ट सेंटर वाले आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ये सारी की सारी चीजें। बात करते हैं इसमें अगली क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ईमेल करते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ईमेल करते, उस ईमेल में आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर कोई और क्वेरी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हर एक चीज का सॉल्यूशन देना है आपने बैठ के। दोस्तों ये बिल्कुल डेस्क एंड चेयर जॉब है, जहां पर आपको शिफ्ट नहीं करना है, आपको बैठ के काम करना है एक जगह बैठ के, कोई यहाँ पर धूप नहीं होगी, कोई बारिश नहीं होगी, बिल्कुल एयर कंडीशन रूम रहेंगे जहाँ पे आपको बैठ के काम करना होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी आखिरी डेट कब, दोस्तों इसकी आखिरी डेट 26 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट में अप्लाई करोगे दोस्तों, यहीं पे तो गलती करते हो आप लोग, लास्ट में अप्लाई करनी करना, अप्लाई करना जितनी जल्दी हो सके। दोस्तों जितने भी क्रैश कोर्स के बंदे हैं दोस्तों छूट पड़िएगा, ये वैकेंसी बहुत तगड़ी वैकेंसी रहेगी। ठीक है, बात करते हैं और क्या क्या दोस्तों यहाँ पे काम होगा आपका, रिसीव इनबाउंड कॉल्स, इन द सेंस कस्टमर आपको कॉरी करेगा, कॉल करेगा, तो आपको कॉल को पिकअप करना है, उनके कॉल को रिकवर करना है, कॉल को रिवर्ट करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्या हंडे हंडे मल्टीपल प्रोजेक्ट, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कभी क्या क्या होते हैं टिकट, सर कोई एक्स्ट्रा कोई टिकट बुक करते तो उसका बोल सकते हैं कि सर आपको ना यहाँ पे ना ये मिल रहा है, इन द सेंस आपको एक्स्ट्रा फूड मिल रहा है बहुत कम अमाउंट रुपीज में, तो आप वैसे करके आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं। ठीक है, टिकट बुकिंग करनी है, बहुत सारी चीजें रहने वाली है दोस्तों, तो समझ में आ गई आपका बेसिक बात काम रहेगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें दी हुई है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट, बाकी रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है कि भाई हाई स्कूल क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एयरलाइंस रिजर्वेशन एंड टिकटिंग, एयरपोर्ट चेक इन कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर। देखो दोस्तों अगर बस कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है प्लस अगर बस एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है वो है क्लास 12 पास, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे यार हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हो, ऑब्वियसली गाइस देखो
अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यू नो वाई, बिकॉज कई बार दोस्तों हमारे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जब वो सेलेक्ट हुए इंटरव्यू में, तो मैंने उनसे पूछा, दोस्तों आई बटन में देखना कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ जाएगा, इमराना का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ जाएगा, इमरान का एक्सपीरियंस आ जाएगा, दोस्तों वो दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कतर एयरवेज कॉन्टैक्ट सेंटर में, राइट, इमराना काम कर रही है इतिहाद एयरवेज में और इमरान काम कर रहा है अहमदाबाद के इसी कॉन्टैक्ट सेंटर में, तो आपको फ्यूचर वहाँ पे मिलेगा भी। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं। तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है, तो रेडी हो जाइए। फ्रेशर हो तो भी आपको फॉर्म भरना है, बिकॉज फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस दोस्तों, अगर एक बस एमएडीएस वगैरह आता है सॉफ्टवेयर तो अच्छी बात है, नहीं एक्सपीरियंस तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे लोग की नॉलेज, ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जिसके पास कंप्यूटर की नॉलेज रहनी चाहिए, ठीक है। अगर बस कंप्यूटर का बेसिक एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जिसके पास गुड टाइपिंग स्किल, इन द सेंस वो अच्छी चीज़ों को फटाफट से इन्फॉर्मेशन को टाइप कर पाए और फटाफट से बाकी कस्टमर्स को रिवर्ट कर पाए, इसलिए यहाँ पे अच्छी टाइपिंग स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की चीज की रिक्वायरमेंट दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे चीजें दी हुई है, ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जिसके पास अच्छी रिटन प्लस स्पोकन इंग्लिश रहे, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं, बेसिकली जो कस्टमर्स हैं, वो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स इंटरनेशनल, तो वो जो है अपनी, ऐसा तो नहीं उनको उनको अलग अलग लैंग्वेज आती है, उनको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि इंग्लिश में रिटर्न कर सके, राइट, इंग्लिश में रिवर्ट कर सके, प्लस इंग्लिश में लोगों से बात कर सके, तो ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं आपको, आप अगर अभी एडमिशन लेते हो तो मैं आपको दोस्तों 15 दिन का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एड ऑन दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे आगे जाकर सेलेक्ट हों और एविएशन लाइफ का दोस्तों ब्रांड एक नेम बने, राइट। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट अच्छी लिसनिंग स्किल्स हों, ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि दोस्तों हाई वॉल्यूम जो है फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, राइट। तो समझ में आ गया, तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। और बता दूं कि ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि दोस्तों चीयरफुल हों, हंस के बात करें, काम हो, पोलाइट हो, हम्बल तरीके से चीजों को डील कर पाए, ठीक है। एक चीज और, आप बहुत से लोग बोलेंगे हम तो ऐसे नहीं दोस्तों, आप ऐसे नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में धूम करना है दोस्तों, इंटरव्यू में दिखावा करना है ना, समझ में नहीं आ रहा, भले आप रियल लाइफ में बड़े रूड हो कोई बात नहीं, इंटरव्यू का दिखावा करना है अपने कि यार सर मैं बहुत हम्बल हूँ, आई बिलोंग टू वेरी मच पोलाइट बैकग्राउंड, आई एम वेरी मच हेल्पफुल इन नेचर, तो धूम करना है दोस्तों इंटरव्यू में। इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू है दोस्तों सामने वाले को शह देना और मात देना एक साथ, इसी को बोलते हैं इंटरव्यू। समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों। नेक्स्ट, ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जो कि पोलाइट हो, रिलेटेबल हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि दोस्तों लर्निंग हो, नई नई चीजों को सीख सके, अडेप्ट कर सके, तो ये सारी की सारी चीजें। सबसे लास्ट चीज दोस्तों, इसमें आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट भी रहने वाला है, बिकॉज कॉन्टैक्ट सेंटर ऐसा नहीं कि सुबह सुबह बस काम कर रात को नहीं दोस्तों, ऐसे कॉन्टैक्ट सेंटर जो दिन रात काम कर रहे हैं, बिकॉज कस्टमर के कॉल तो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक सर्टेन टाइम पे कॉल आएंगे, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आई गेस सबको समझ में आ गया चीजों के बारे में, ठीक है भाई। बात करते हैं अप्लाई कैसे करें दोस्तों, अप्लाई करने से पहले बता दूं कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऑलरेडी सिलेक्टेड वीडियोज हैं, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे बेस्ट टाइमिंग आई है, अभी चल रहा है, डिस्काउंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको जो है एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा हूँ, 15 दिन की क्लासेस अब बढ़ के दोस्तों हो गई है 1 मंथ की, जिसमें आपको 15 दिन का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आपको एड ऑन मिल रहा है, ठीक है भाई, समझ गया, आ गया आप लोगों को। प्लस नेक्स्ट बता दूं कि ये क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, मेरे पास 10 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस मैंने दोस्तों अब तक दे दिए हैं, 500 से भी ज्यादा सिलेक्शन एयरलाइंस इंडस्ट्री में, प्लस मैंने खुद एयरलाइंस में काम किया है इन एयरपोर्ट ऑपरेशंस, तो देख सकते हैं दोस्तों मोहम्मद शारिक भी सेलेक्ट हो गया है, और दोस्तों ये शेयर कर रहा है अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मोहम्मद शारिक सेलेक्ट हो गया स्पाइसजेट एयरलाइंस में, तो नाउ ही शेयरिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यहाँ पे देख सकते हैं शारिक ही शेयरिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इसका इनका वीडियो भी दोस्तों आपको आई बटन में दिख जाएगा, ठीक है भाई। तो फटाफट से मैसेज भेजिए कहाँ पे, यहाँ पे 7999504 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे मैसेज भेजिए एंड अवर टीम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद यू। दोस्तों ये क्या, कौन सा गाना आ गया भाई, ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें फटाफट से मैसेज भेजिए, सच में इंटरेस्टेड है। बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है इंटरव्यू के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ध्यान से देखना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों, इसका लिंक जो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, राइट, इसका लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे तो जैसे ही देखेंगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, करना कुछ नहीं, आपने यहाँ पे आपको अप्लाई ना करना, जैसे अप्लाई ना कर देंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करना है कि आपको सीवी अपलोड करनी है, ध्यान देना कि वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, ये सीवी शॉर्टलिस्टिंग है, तो आपकी सीवी अपलोड होगी, वो सेलेक्ट होगी, तो ही आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा दोस्तों। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो सीवी गारंटेड शॉर्टलिस्ट होगी, बिकॉज मैं ऐसी सीवी बनाकर दे रहा हूँ जो कि 200% शॉर्टलिस्ट होकर रहेगा, ठीक है भाई। तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉर्म भरिए, बिकॉज आखिरी डेट का वेट मत कर दोगे, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद। अगली वैकेंसी आने वाली है एमिरेट्स के केटरिंग सर्विसेज के ऊपर, मिलते हैं अगले वीडियो में।